के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले। यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी है जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी। होटल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। ये श्याम जोशी जी, जो हम बात कर रहा था ना, हिप्नोटिज्म। आप कभी भी किसी को भी कुछ भी बना सकते हो, तुम एक फल वाली बन जाओ। अरे फल ले लो फल। आप ऐश्वर्या। मैं ऐश्वर्या बनाई नहीं हूँ। थैंक यू। इसका मतलब है तुम अपने आप को ऐश्वर्या राय समझ रही हो। टोलारी टोलारी। मन टोला दिल टोला क्या बोला हाय बोला। टोलारी टोलारी टोला। दूंगा एक जो कुछ बोला। बात नहीं नहीं, ये से अचानक क्या हो गया? गंगा से ऐश्वर्या कैसे बन गई? गाने भी गा रही है, नाच। ओ समझा, इसका मतलब कल रात पार्टी में मेरी जगह ये हिप्नोटाइज हो गई। ओ नो, अब क्या करूं, इसे वापस कैसे लाऊं? हाँ, उसने चुटकी बजाई थी, चुटकी। वैसे तुम हो कौन? मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, I mean, मैं हाँ हाँ मैडम, मैं आपका सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? तभी मुझे लगा ये अजीब टाइप की शक्ल जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। नेम्ड़ा, 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 अरे गंगा चुप हो जाओ। गंगा नहीं, ऐश्वर्या राय कही। ओ, जी जी, मतलब ऐश्वर्या मैडम, देखिए ना तो ये सेट है ना ये स्टूडियो है, हमें ये गाना शूटिंग में गाना है, अब नहीं गाना। कम ऑन कम ऑन, मैं जरा ट्रैक्टर में कूद जाती हूँ यू नो। अब इसे ट्रैक्टर से नीचे कैसे उतारूं? सोच यार होम क्या किया था उसने। घंटी, उसने घंटी बजाई थी। घंटी? मेरे पास तो कोई घंटी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ फोन है। फोन? यस। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं सनम। ऑटोग्राफ ये भी क्या याद करेगा।
कि इतनी बड़ी सुपरस्टार ने बिना मांगे ही से ऑटोग्राफ दे दिए। सुपरस्टार ऐश्वर्या राय। हाय, ये कहाँ चले गए? मैंने कहा जी आप कहाँ चले गए थे? थैंक गॉड गंगा, तुम फिर से नॉर्मल हो गई। हाँ जी। नहीं कुछ नहीं, मैं तो जरा यहाँ पे वो बस स्कैटरी वो जूस क्यों नहीं लाया अभी तक? अभी पूछता हूँ मैडम। हेलो, अरे एलआईसी पॉलिसी के बाहर में मैडम को ऑरेंज जूस कहाँ है? मुझे पहले बताओ ऑरेंज जूस अभी तक कैसे नहीं आया? जान क्यों ऐश्वर्या मैडम का है? इतना चलाशला क्यों रहे हो जी? ये किसी और का ऑफिस वापिस है। अरे तुम नॉर्मल हो गई, फोन बजा एक मिनट। हेलो, हाँ ये झर मैडम ये लीजिए आपका जूस। तुसी बड़े मजाकिया पाजी, मैं तो जूस बूस पीती नहीं, मैं तो सिर्फ लस्सी बस्सी पीती हूँ। पीती नहीं? लेकिन आपने तो कहा था ना ऑरेंज जूस। कब कहा था? नहीं आप जब आए थे तभी मैंने पूछा था क्या चाहिए, इन्होंने बताया था, लेकिन इन्होंने ये जूस मेरे लिए मंगवाया था। अच्छा है, इंटीरियर गुड नाइस। दरअसल ये जूस इन्होंने अपने लिए मंगवाया था, लेकिन नो प्रॉब्लम, अगर इनको नहीं चाहिए तो मैं भी लेता हूँ। मैडम आपके लिए मैं लस्सी मंगवा देता हूँ। अच्छा बताइए कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं आप? मेरी खूब सुनने का इंश्योरेंस 2 करोड़ का। क्या चाहिए आपको? ये बेल। जी? नहीं नहीं ये बेल बहुत अच्छी है, नीला नीला कलर है, वाह वाह वाह, चलो हम चलते हैं। नहीं नहीं वो इंश्योरेंस नहीं, हम कल आते हैं। मैंने कहा जी कल क्यों आएंगे, आज ही करा लूं। इससे पहले कि मेरी घंटी बज जाए, चलो यहाँ से। तो है बात तो सुनो, हम कल आएंगे। अरे उठो, कल सुनेंगे सारी बात। मैंने कहा जी ये कमाल की फैमिली। ओ मैडम अपनी खूबसूरती के लिए 2 करोड़ का इंश्योरेंस कराना चाहते थे, तो ऐश्वर्या नहीं समझती। मेरे हाथ में क्यों पकड़ा रखा है? ये किस तरह का मजाक कर रहे हो मेरे साथ? गंगा हम क्या मजाक करेंगे तुम्हारे साथ, किस्मत ने इतना बड़ा मजाक किया है हमारे साथ। मतलब राम बेटा जरा मम्मी को लेकर अंदर जाओ। मैं अंदर क्यों जाऊं? चलो मम्मी, चलो चलो मम्मी, चलो बनो। क्या पापा कितना मजा आ रहा था, आप घंटी बजा रहे थे और वहाँ मदारी का शो चल रहा था। चुप कर, मम्मी बकता रहता है। ठीक है पापा, अभी कुछ समझदारी की बात करता हूँ। हाँ। आप मुझे ये बताओ कि मम्मी को ठीक कैसे करोगे? शाम उसके लिए हमें उसी हिप्नोटिस्ट को जोशी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बेटा हमें अपने घर की हर घंटी को बंद करना होगा, समझे ना? लेट्स स्टार्ट, कम ऑन।
पापा ये लो सारी चीजें इसके अंदर डाल दो। वेरी गुड बेटा, चलो जी घड़ी का काम तो तमाम हो गया, अब बेल निकालता हूँ ताकि कोई बेल बजा ही ना सके। क्यों श्याम, टेलीफोन टूटा या नहीं? हाँ पापा तोड़ दिया। ओके वेरी गुड, चलो जी घड़ी तोड़ दी, दरवाजे की बेल निकाल ली, टेलीफोन भी तोड़ दिया, अब तो कोई चीज बाकी नहीं रही। चलो अब मैं जाता हूँ मिस्टर जोशी के पास, उन्हें ले आता हूँ। लेकिन बच्चों एक बात का ख्याल रखना, मम्मी घर से बाहर निकलनी नहीं चाहिए, ओके? हाँ। वरना पूरा मोहल्ला मम्मी के साथ कजरा रेट डांस करने लगेगा, ओके? चलो बाय, बीन अपनी जगह पे रख देना, हाँ? चलो बाय बाय। सारी बजने वाली तो चीजें इसके अंदर है, अगर आप कुछ बजा तो हमारी घंटी बज जाएगी। राघवन, ओ राघवन, तू हा कर या ना कर। अरे यार राघवन, गाना बाद में गा, पहले बाहर आ। तू है मेरी किरण। राघवन ए, तुम अंदर कैसे है? किरण का घर है। अरे राघवन क्या हो गया क्या तुम्हें यार? राघवन इसे क्या हो गया? और ये हथलाता क्यों है बोलते वक्त? Oh my God! समझा? ये शाहरुख खान बना हुआ है, ये तो खुद हिप्नोटाइज हुआ है, पहले इसे नॉर्मल करना पड़ेगा, इसकी भी घंटी बजानी पड़ेगी। ओ मेरे यार तू कब आया? जब से तू शाहरुख खान बना हुआ है ना तभी आया मैं। भगवान ये मेरे ऊपर से शाहरुख का भूत कब निकलेगा? यार मुझे एक बात बता, जोशी जी कहाँ मिलेंगे? ये जोशी जी कहाँ मिलेंगे यार, उन्होंने गंगा को हिप्नोटाइज किया हुआ है, गंगा ऐश्वर्या राय बनी घूम रही है यार। अरे जोशी जी को मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, उसका मोबाइल ऑफ है और घर पे 3 बार मेरे से छोड़ा कोई अता पता नहीं। क्या तो क्या करेंगे? अरे क्या क्या करेंगे, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है मालूम है? क्या? कोर्ट में मेरा बहुत बड़ा केस चल रहा है। अगर मैं कोर्ट में गया, मैंने केस लड़ा और लड़ते लड़ते शाहरुख का दौरा पड़ गया तो जज साहब अमरीश पुरी बनकर मेरे क्लाइंट को जेल भेज देंगे। यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, तो यार कुछ भी कर और जोशी जी को ढूंढ, और जोशी जी को जैसे ढूंढेगा ना प्लीज इमीडिएटली उन्हें मेरे पास भेज दे यार, मैं भी बड़ी मुसीबत में हूँ। हाँ चल बाय, इमीडिएटली मुझे फोन कर देना। चल बाय बाय बाय। यस जोशी जी, जोशी जी। किरण का फोन, किरण, 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 तुम कहाँ हो किरण? किरण ओ छोड़, हाय हाय छोड़ मुझे। नहीं मम्मी। क्या कर रहा है, सुबह से कभी हाथ पकड़ लेता कभी पैर शैर पकड़ लेता है। ओए मैं बाजार नहीं जाऊंगी तो सब्जी घर में कैसे आएगी, रोटी शोटी कैसे बनाऊंगी? मम्मी मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बाहर मत जाना, अगर घंटी बज गई तो। कैसी घंटी शांति? मम्मी वो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, घंटी नहीं बजनी चाहिए लेकिन। माफ कीजिएगा, बज गई घंटी। आप माफी की बात करो, माफी के लिए काम ही नहीं किया आपने। जी जी पूरे मोहल्ले में आपको यही जगह मिली थी घंटी बजाने के लिए। ओए छोटो, इतनी बदतमीजी के साथ इन सूरदास जी से क्यों बात कर रहे हो? कहिए मैं आपकी क्या मदद शदत कर सकती हूँ? जी मैं नेत्रहीन संस्था से आया हूँ, मांगने आया हूँ। कहिए तो मैं अपनी हरी हरी आंखें आपको पेंट में दे दूं। जी ऐश्वर्या राय के कार में आकर आप कुछ मांग रहे हैं? ऐश्वर्या राय? आप ऐश्वर्या राय है जी? यस। आपको कोई शक है? ओए छोटू जा और मेरे सेक्रेटरी को कह कि इन सूरदास जी को 2-3-4 लाख रुपए दे दे। 2-3-4 लाख? 2-3-4 लाख? मम्मी आप कह रहे हो? शट अप छोटू, खबरदार मुझे मम्मी कहा तो। जा जाकर मेरे सेक्रेटरी को कह कि इन्हें 3-4 लाख का चेक दे दे। चेक वेक नहीं चलेगा, बड़ा झंझट है। आपने जो आभूषण पहन रखे हैं, ये गले की छोटी माला, बड़ी माला, हाथ की चूड़ियां, ये हाथ। चुप, जब देने वाला देना चाहता तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहे हैं?
गले की माला सब मुझे दे दीजिए, मैं इनको बेच के संस्था में जमा करा दूंगा। ओके ओके। अरे पर ऐश्वर्या जी तो अंधा है ना, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मम्मी ने ऐसा पहन रखा है? बच्चा हम मन की आंखों से देख लेते हैं, क्या ऐश्वर्या जी ये भिखारी ये नेत्रहीन आपके दर से खाली हाथ लौट जाए? नहीं नहीं सूरदास जी, एक मिनट रुकिए। मम्मी ये घंटी किसने बजाई? ये घंटी हमने बजाई। गंगा तुम जरा अंदर जाओ। क्यों जी? क्योंकि मुझे इसकी घंटी बजानी है। हाँ। मैंने कहा जी वो पखारी कहाँ गया? भाग गया क्योंकि उसकी घंटी बज गई। हाँ। बेटा उस नकली अंधे से तो छुटकारा मिल गया हमें, थैंक गॉड। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या तुम्हारे माँ के डबल रोल वाली नौटंकी जिंदगी भर चलती रहेगी? लेकिन पापा इस बात का कोई एक प्रॉफिट तो है। क्या? आप अपने सारे दोस्तों को कह सकते हो कि ऐश्वर्या राय आपकी वाइफ है। क्या? इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी पापा। चुप कर चुप कर। हाँ एक लॉस भी है, अगर सचमुच की ऐश्वर्या राय को ये पता चल गया तो वो आपके ऊपर केस ठोक देगी और आपको सारे केस हारते ही रहते, सीधा जेल में दिखोगे आप। अभी चुप करेगा, इतने टेंशन में होगा और बकबक करते जा रहा है। चुप। प्लीज अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, भगवान कुछ कीजिए, मेरे सर से बला टल जाए, कुछ कीजिए। मिस्टर ओम। अरे मिस्टर जोशी। किस भला की बात कर रहे हैं आप? अरे मिस्टर जोशी आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत में हैं, मेरी बीवी। मुझे 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 सब कुछ मालूम है, राघवन ने मुझे सब कुछ बता दिया। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बुलाइए आप अपनी वाइफ। बेटा गंगा को बुला दो। गंगा शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? माँ को नाम से बुलाता है, ऐसे बुला रहे मम्मी को? मैं बुलाता हूँ मम्मी। शर्म नहीं आती अपनी वाइफ को मम्मी कह दो। सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। वैसे भी पापा मम्मी आने वाली नहीं है, राम सर मम्मी को तो बुला। ये वैसे आने वाली क्यों नहीं है? भाइयों और बहनों, अंकल और आंटी हो, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आपका दिल जीतने आ रही है ऐश्वर्या राय। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने कचरारी मेरे कारी कारी नैना। ऐश्वर्या जी आपसे मिलने एक प्रोड्यूसर साहब आए हैं। स्कैटरी ये मुझे साइन करना चाहते हैं। जी 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 मैं आपको कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। हाँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं मैडम? ओ कम ऑन। मैं तैयार हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आप मैडम मेरी आंखों में ध्यान से देखिए। क्यों आपकी आंखों में कहानी है? जी हाँ मैडम, अगर आप मेरी आंखों में ध्यान से देखेंगे तभी तो मैं आपको कहानी ध्यान से समझा सकूंगा। ओ स्कैटरी न्यू स्टाइल। ब्रांड न्यू स्टाइल। ओ कम ऑन। कहानी इस क्रिस्टल की है मैडम, इस क्रिस्टल को देखिए। ये क्रिस्टल में कहानी है? जी मैडम। ओ इसी की कहानी है, इसे ठीक से देखते रहिए तभी आपको क्रिस्टल के बारे में और मालूम पड़ेगा, इसकी कहानी पता चलेगी आपको। देखिए, हाँ देखिए, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं मैडम, एक बहुत ही लंबी पर बहुत ही छोटी कहानी, वेरी इंटरेस्टिंग। आप कहानी सुन रहे हैं, आप कहानी सुन रहे हैं, आपके कान में सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही है और कुछ नहीं। आंखें भारी हो रही है मैडम, और भारी। आपको नींद आ रही है, आपको और नींद आ रही है, आप सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप सो गए, आप सो गई है मैडम, और आप सो गई है,
अब जब मैं चुटकी मारूंगा मैडम, तब आपके अंदर से ऐश्वर्या राय हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी और आप अपने ओरिजिनल रूप यानी कि गंगा में आ जाएंगे। तुम्हारी वजह से क्या क्या झेलना पड़ा है तुम नहीं जानती गंगा। मतलब शातलू? पहले कपड़े तो बदल के आओ। हाँ जी हाँ जी पाजी, मैंने आपके लिए चाय शाय लेकर आई हूँ। जी ठीक है, चीनी कम डालना भाभी जी। कचरारी मेरे कारे कारी नैना, हाय नैना हाय नैना मेरे नैना। नहीं नहीं ये हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी।